अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड लाइन ट्रैवल स्ट्रीम। दोस्तों, आज का हमारा सफ़र जो है वो है रावलपिंडी से इस्लामाबाद मारगला हिल्स पेशावर। तो आज के हमारे सफ़र में हमारे साथ हैं मोहम्मद अनफ, उस्मान भाई और तारिक महमूद। तो दोस्तों, आज हम जब इस सफ़र पर निकले तो हमने बहुत से मनाज़िर देखते हुए आए, जिसमें हम लोगों ने ये एक पहाड़ी चूज़ की और बहुत ही खूबसूरत व्यू के साथ हमने इधर कैंपिंग की है। और ये उस्मान भाई हमारे ब्लॉग बना रहे हैं, साथ ही हमने सलाद की कटिंग की है, तो इसके बाद चाय भी हम पियेंगे। तो अब हमारे साथ रहिए। तो जी, ये अनफ हमारे से, मेरा नाम मोहम्मद अनफ है और हम बहुत आज जो है किया, मैं लाहौर से इस्लाम आया था और हम आज पीस बाबा आए हैं और हम यहाँ पर कैंपिंग की है और हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक रहें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग द वीडियो। तो जी, अब हमारे उस्मान भाई जो कि खाना बनाने में मसरूफ हैं, वो अब आपसे बात करेंगे। उस्मान भाई आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान भाई और आप आज देख रहे हैं वर्ल्ड लाइन ट्रैवल हिस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक महमूद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड लाइन ट्रैवल हिस्ट्री। तो मेरे आज के सफ़र में मेरे जो सफ़र के साथी हैं उनमें ये सामने मोहम्मद उमर और साथ पीछे मोहम्मद अनफ और मोहम्मद उस्मान। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। दामने को से होते हुए हम जाएंगे पीर सोहावा, तो वहाँ इंशाल्लाह कैंपिंग करेंगे और खाना भी बनेगा, चाय भी बनेगी, खूब इंजॉय करेंगे। आप वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहें। अगर आप मेरे चैनल को पहली मरतबा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़। हम लोग दामने को एंटर हो चुके हैं, तो चलिए फिर। नाज़रीन, आप देख सकते हैं हम मोनाल रेस्टोरेंट के एरिया में इंटर हो चुके हैं, तो जहां हम लोग कैंपिंग करेंगे वो इससे चंद किलोमीटर आगे है, तो सफ़र जारी है। नाज़रीन, हम लोग ये हमारा रूट जो हम लोग इधर से आए हैं, सामने जो आप सड़क देख रहे हैं, ये जो मोनाल रेस्टोरेंट से आगे अगर आएँ तो ये आगे थोड़ा सा ये एक व्यू है। ये बाइक हम लोगों ने यहाँ खड़े किए, ये आगे रोड आगे निकल जाता है और ये एक जगह है जो हमने कहा कि चलो यहाँ पे हम लोग कैंपिंग करते हैं। और वो लोग ऊपर की तरफ गए हैं, ये नीचे से ये रास्ता आ रहा है ऊपर को, ये और ये ऊपर को टेंट और उस्मान भाई अनफ मोहम्मद उमर, और ये मारगला की पहाड़ियाँ हैं। नाज़रीन, हम लोगों ने जगह सेलेक्ट की है, ये कैंपिंग के लिए जगह है और कुकिंग के लिए।
मार्गरा हिल, पीर सुहावा, ये एक बहुत यादगार हमारे अक्सर फैमिली टूर यहाँ पे होते हैं, कुकिंग होती है, कैंपिंग होती है। Thank you.
नाजरीन देख लें, आज का हमारा जो सफ़र है बहुत यादगार सफ़र है, बहुत इंजॉय किया और नौजवानों ने खूब जो है ना कोशिश की आग जलाने की खाने के लिए और बड़ी मशक्क़त और मेहनत के साथ और खाना तैयार हो गया। अब खाना खाने की तैयारी है। दूध हम लोग भूल आए थे रास्ते में और फिर मजबूरन हमें पत्ती का कहवा बनाना पड़ा। बहरहाल तो चलिए देखते हैं खाना कैसा बना। हाँ भाई, आप लोगों ने बताया नहीं खाना कैसा बना है और कावा भी पिए, जरा चेक करें क्या है। Thank you.
आप अगर कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं फॉरेस्ट वगैरह जंगलों में, तो अगर आप कैंपिंग करते हैं, खाना पकाते हैं, तो आप अगर आग जलाते हैं तो आपको आप पर फर्ज है कि आप जाते हुए आपको बुझाया करें, क्योंकि जंगलों पे अफेक्ट हो सकती है, आग लग सकती है। इसलिए पाकिस्तान है हमारा, इसकी हिफाजत हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए एक छोटा सा पैगाम था। असर का वक्त करीब है, तो यहाँ से हम क्लोजिंग करेंगे और कोई नया रास्ता ढूंढते हैं। एनएफ हाय करते हैं। इसको आप शेर याद है। तो क्लोजिंग हो चुकी है, देख सकते हैं हमारा यहाँ टेंट लगा था। ये तैयारी में है नौजवान, कमरे कस लिए हैं इन्होंने, और अभी गो। आपको हमारी ये ट्रैवलिंग हिस्ट्री ज़रूर पसंद आई होगी, तो देखते हैं आगे हमारा सफ़र कहाँ का तय होता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक।